गाइस वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्सिंग। यहाँ पर जैपनीज लीग का मैच हो रहा है योकोहामा एफ मैरिनोस वर्सेस एससीबी के बीच पूरे 4 बजे, मतलब 4:03 पे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है, सो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात करें इस मैच की, तो योकोहामा एफ मैरिनोस और एससीबी जो टीम है, इन दोनों टीम्स में अगर देखा जाए देन यू ऑल नो कि योकोहामा एक बहुत अच्छी टीम रही है। मतलब ठीक है, मैं एसएपी को गलत नहीं कह रहा, एसएपी टीम सीज़न के मिडल में रह के ठीक ठाक प्रदर्शन देती है, लेकिन योकोहामा का लेवल जो है वो थोड़ा अलग है, डिफरेंट। तो इसलिए मेरा जो फेवर रहेगा पर्सनली वो थोड़ा योकोहामा की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो आगे चलते हैं। तो स्ट्राइकिंग की बात करें, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर जैसे आप लोग जानते हैं कि लॉप्स एक ज़ोरदार प्लेयर है जिसको कोई भी कप्तान रखने से कोई भी हिचकिचाता नहीं। मैं तो कभी नहीं, मतलब मेरे को तो जितनी बार मौका मिलता है मैं इसे कप्तान रखता हूं। मैं तो चाहता हूं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेला करे। और ए उन्हें का अभी ना जापान अंडर 23 का एक मैच हुआ था, तो नहीं उसमें ये नहीं गया था, सॉरी गाइस वो दूसरा उन्हें का था, इसने तो 20 जुलाई को भी यहाँ खेला था। तो ऐसा है कि अगर उन्हें का आपको गेम प्ले में दिखे तो आप इसको पिक कर सकते हो, लेकिन उन्हें का से पहली प्रायोरिटी अगर कोई बंदा है तो वो एल्बर है भाई, क्योंकि एल्बर पिमेंता इस टीम का सबसे पुराना प्लेयर है। उन्हें का तो चलो चलता रहता है चेंजेस, क्योंकि उन्हें का को इतने ज़्यादा मैचेस नहीं खिलाते, लेकिन एल्बर पिमेंता अगर 100 मैच है तो ये भाई 90 तो खेलता ही खेलता है, मतलब समझ रहे हो। उसके बाद अगर ऑपोजिशन टीम की बात करें, बीच में एम सुजुकी की तरफ ध्यान बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा था, 20 जुलाई को भी पुरावा रेड्स के अगेंस्ट इसे ट्राई कर लिया, लेकिन वाई कोमाई तो अपनी जगह है। मतलब कोमाई अभी जिस प्लेटफॉर्म पर है ना भाई, सबसे ज़्यादा गोल के चांसेस हैं, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो कोमाई ए आज से पहले एक मिडफील्डर था और आज इस बंदे को टीम ने परमानेंट स्ट्राइकर घोषित किया है। द रीज़न इज़ उसका गेम प्ले, उसका गेम प्ले बहुत तगड़ा है। उसके बाद मिडफील्डिंग की बात करें देन येन मैथ्यूज़ की अगर बात करूँ तो ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर फॉर कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि इससे बेहतर कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन आपको कोई और शायद मेरी तरफ से नहीं मिल सकता। और जे अमैनो की अगर बात करें तो यहाँ पर जन अमैनो को ज़रूर लूँगा। अमैनो 2 बार से ट्राई कर रहा हूँ तो दोनों बार मेरे को इस बंदे ने डिसअपॉइंट नहीं होने दिया। सेकंड लास्ट मैच में 14 जुलाई को काशिमा एंटलर्स के अगेंस्ट 1 गोल 1 असिस्ट, उसके बाद 20 जुलाई को एमजेड के अगेंस्ट इसने गोल किया, तो 2 गोल कॉन्जिक्यूटिवली आए बंदे के, तो अच्छी फॉर्म में है तभी। उसके बाद एस बाबा, इसको जरूर ट्राई करो। आपको पता है जब ये पूरी टीम गिरावट में थी और जब इस टीम के 3 मिडफील्डर इंजर्ड थे तो एस बाबा ही था जो अपनी टीम को संभाल रहा था। यही बंदा, ये बंदा जो आज लोग ले रहे हैं ना, इस बंदे की सिलेक्शन शुरू से हाई रही है, लेकिन मैंने इसको इतना ज़्यादा कभी ट्राई नहीं किया। आज इस बंदे को मतलब पता नहीं, मेरा भी दिल कह रहा है कि लेना चाहिए, क्योंकि मैं सिलेक्शन बेसिस पे कभी प्लेयर नहीं उठाता। मेरे में इतना दम दोस्तों दिखा सकता हूँ कि 99% वाले प्लेयर को छोड़ के भी जीतना हो सकता है तो जीत सकता हूँ, लेकिन ये बंदा पॉइंट तगड़े दे रहा है इसलिए मैं इसको छोड़ के जीतना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद डी सुगा की बात करें तो डेकी सुगा एक नॉर्मल प्लेयर है, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन आपको आर ऑकी दे रहा है ऑलरेडी। वायोसेनो की बात करूँ तो मैं तो कहूँगा अभी इसकी ज़रूरत ना ही पड़े, क्योंकि वैसे असैनो अच्छा है, लेकिन जिस जब तक मैं चाह रहा हूँ हॉकी खेले, लेकिन अगर आप 2 टीम्स के साथ खेल सकते हो तो एक अपनी बैकअप टीम में मेरे भाई वाई असैनो को ज़रूर लेना भाई, बहुत अंधाधुंध खेल जाता है कई बार गोल वगैरह करके, ठीक है। बाकी आर ओकी अगर लेना चाहते हो ले लो, अगर रिस्क लेना चाहते हो तो असैनो को ले लो, जो आपका मन करे, क्योंकि दोनों टीम्स के साथ भी जा सकते हो। डिफेंडिंग सेक्शन में अगर बात करें तो के मैट्सुबुरा, उसके बाद ई अपना एडवर्डो को यहाँ पर मैं अपनी टीम में सबसे पहले लूँगा। एंड नगेटो की अगर बात करें तो नगेटो 3rd डिफेंडिंग करता तो भी ना लेता, टी कामाजीमा 3rd डिफेंडिंग ऑलरेडी कर रहा है, इसको तो मैं लूँगा नहीं। तो 4th डिफेंडिंग में जो भी हो, भले वो वटनबे हो, भले वो आर कैटो हो, मैं उसको पिक करने वाला हूँ विदाउट सींग देयर सिलेक्शन। उसके बाद गोलकीपर की बात करें तो टी सुगैनो को यहाँ पर मैं पिक कर रहा हूँ, शुरू से इनका मेन प्लेयर रहा है, भगवान करे इंजर्ड ना हो क्योंकि तगड़ा है ये। एंड बात करें कैप्टन की, लोगों ने एस बाबा को कैप्टन रख दिया बिना कुछ सोचे समझे, लेकिन आप गलती कर रहे हो, आप मत करना, ठीक है। आप लॉप्स को कैप्टन रखो, वाइस कैप्टन एल्बर पिमेंता को रख सकते हैं या फिर मैथ्यूज़, बट मेरा ध्यान मैथ्यूज़ की तरफ ज़्यादा है। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।